हेलो गाइस, कैसे हो? आशा है आप सब अच्छे होंगे। हम भी लगे हुए हैं घर के काम में, क्योंकि सुबह सुबह का समय है तो साफ सफाई हो रही है घर की। पूरा सामान फैला हुआ है तो वही हम अच्छे से रख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, कपड़े भी सारे फैले हुए पड़े हुए हैं। ये सारे कपड़े छत पे फैले हुए थे, लेकिन अचानक बारिश होने लगी तो ये सारे कपड़े हम नीचे उतार के ले आए हैं। और ये सारे हम पंखे में सुखाएंगे, पंखा चला देंगे और ये सारे कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि आजकल बारिश का समय है। अगर ऐसे में गीले कपड़े रख देते हैं इकट्ठे करके तो उसमें से बहुत गंदी सी स्मेल आती है, तो स्मेल ना आए इस वजह से हमने ये सारे कपड़े बेड के ऊपर फैला दिए हैं और पंखा चला दिया है। पंखा चलाने की वजह से ये हमारे कपड़े सूख जाएंगे। बच्चे स्कूल चले गए हैं। बच्चे स्कूल जब चले जाते हैं तभी घर के सारे काम अच्छे से हो पाते हैं। जब बच्चों को मैंने स्कूल भेजा उसके बाद मैं छत पे गई हूँ, वहाँ से कपड़े लेकर आई हूँ। कपड़े लाने के बाद पूरा बेड पे फैलाया है। अब उसके बाद हम झाड़ू लगा लेंगे। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाएंगे। बच्चे नाश्ता करके गए हुए हैं तो थोड़े से बर्तन भी हो गए हैं, ग्लास वगैरह, तो अभी हम ग्लास कटोरी भी धोएंगे। हस्बैंड का भी टाइम हो रहा है ऑफिस जाने का, वो भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। ये अभी मोबाइल चला रहे हैं मॉर्निंग टाइम पे, तो इनका यही रहता है, तैयारी करते जाते हैं, मोबाइल भी इनका चलता रहता है। अभी इन्होंने कंघी नहीं की है और इनकी पूरी तैयारी हो चुकी है। कंघी कर लेंगे और ये निकल लेंगे। तो देखिए ये जा रहे हैं ऑफिस। कल काम हो रहा था तो ये टाइल्स छिटक के इनके हाथ में पड़ गई है, थोड़ी सी इनको चोट लग गई है। और जब ये पानी में काम करते हैं तो ये बार बार चोट इनकी दोबारा से ऐसा लगता है कि उसमें पानी भर गया है, तो इसलिए ये बैंडेज लगा लेंगे। तो इससे इनकी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि जब चोट में पानी पड़ता है तो ये चोट हमारी जल्दी ठीक नहीं होती, तो इसलिए ये बैंडेज लगा लेंगे और ये ऑफिस चले जाएंगे। ऑफिस जाने के बाद हमारा काम रहेगा, जो कि हमें घर में खाना ही बनाना रहेगा, तो हम बाद में खाना बनाएंगे। तो देखिए ये जा रहे हैं, ये ऑफिस चले गए हैं और मैंने खाना भी बना लिया है। दोस्तों मैंने खाने में बनाया है, दाल बनाई है, सब्जी बनाई है, चावल रोटी मैंने पका लिया है, और जो भी बर्तन थे वो मैंने सारे इकट्ठे करके धुल भी लिए हैं। तो बर्तन बर्तन धुल के हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। 11-12 बजे के करीब हम बिल्कुल फ्री होते हैं, क्योंकि आयुष्मान 12 बजे आ जाते हैं तो उनको खाना पीना भी कराना रहता है, इसलिए हम अपने सारे काम जल्दी ही निपटा लेते हैं। हम यही सोचते हैं कि 12 बजे तक हम बिल्कुल फ्री हो जाएं। तो ये बर्तन ही हमारे रह गए थे और अभी रोटियां रह गई हैं सेकनी, वो भी हम सेकेंगे। आयुष्मान के मूड का भी कुछ पता नहीं रहता है, ये आए हैं, हम थोड़ा सा आराम करने लगे थे तो ये आए हैं, तो इनका मन है पकौड़ी खाने का। ये कह रहे हैं हम पकौड़ी खाएंगे प्याज वाली, तो मैंने मना किया है। तो इधर हस्बैंड भी आ गए हैं ऑफिस से, तो ये पकौड़ी बनाने में लग गए हैं। इनका कहना है कि अगर तुम नहीं बनाओगी तो मैं अपने हाथ से बनाकर अपने बेटे को खिला दूंगा। तो ये देखिए ये लगे हुए हैं और पकौड़ी बनाने में। मैंने प्याज कट कर दिया है, बेसन भी पूरा तैयार कर दिया है, तो ये बना रहे हैं। हमको बनाना पड़ रहा है दोस्तों, देखिए मैंने पहले ही सब्जी बना ली है, चावल बना लिया है, रोटी सेकनी रह गई थी, और ये जब ऑफिस से आए हैं तो आयुष्मान जिद करने लगे कि हमको पकौड़ी खानी है। अब मैंने पकौड़ी बनाने से मना किया तो वो खुद लग गए किचन में और थोड़ा सा बनाया है और पूरा मेरे लिए छोड़ के चले गए हैं। देखिए पकौड़ी तैयार हो गई है, चटनी तैयार है और चाय। आज हम सब लोग दोपहर में खाने के समय पे नाश्ता करने जा रहे हैं, वो भी पकौड़ी का, क्योंकि सुबह मैंने पकौड़ी बनाई थी तो आयुष्मान स्कूल चले गए थे, खा नहीं पाए थे, तो इसीलिए अब बनाई है और आप सब लोग खाएंगे। गर्मा गर्म प्याज की पकौड़ी तैयार है। प्याज की पकौड़ी आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ये भी बता देना दोस्तों। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।